गाइस वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आप लोग के एक नए और ब्लॉग में। गाइस आज का ब्लॉग का टॉपिक क्या रहेगा मैं अभी बताती हूँ। गाइस तो आप लोग जो लोग नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। गाइस दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैंने अभी 2 दिन अपलोड किया था SCL से रिलेटेड। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए। तो गाइज अभी की जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट्स किया था, उससे रिलेटेड ही मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। बाकी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसमें कितने चेंजेस हुए हैं, हायरिंग फ्रीज ही है या अनफ्रीज हुआ है, वो भी मैं अपडेट दूंगी लास्ट में, तो ब्लॉग में बने रहना। पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ क्या टॉपिक है आज का। तो गाइज आज का टॉपिक है SCL में कितनी लीव मिलती है, या फिर पेड लीव है, या हमें कितनी दिन की किस किस लीव की छुट्टी मिलती है वगैरह वगैरह। सब डिटेल में बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है और थर्ड पार्टी को कितनी लीव मिलती है और जो ऑन रोल है उनको कितनी लीव मिलती है, टैगवी को कितनी मिलती है, GT को कितनी मिलती है। तो ये सारा मैं अपडेट करूंगी गाइज इस ब्लॉग में। मच्छर तो गाइज ब्लॉग के एंड तक बने रहना, बहुत ही अच्छा होने वाला है ब्लॉग और आप लोग के लिए यूजफुल है अगर आप लोग चाहो तो। डेट से तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता है कि SCL में टोटल पेड लीव मिलती है, टोटल कितनी मिलती है ये मैं अभी बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ऑन रोल जो है उनको पेड लीव मिलती है, जो ऑन रोल नहीं है, जो थर्ड पार्टी है एज अ किसी और वेंडर के थ्रू SCL में जॉब कर रहे हैं तो उनको लीव नहीं मिलती। SCL की तरफ से कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप ओनली एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो SCL में, बट आप जो आपके जो वेंडर है वो थर्ड पार्टी है। जब तक आप ऑन रोल नहीं होते तब तक आपको SCL की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो ये था थर्ड पार्टी के लिए। और GT के लिए क्या है गाइस, GT एक्सपीरियंस, टैगबी और फ्रेशर्स, इनके लिए सेम है। फ्रेशर्स अगर ऑन रोल हैं तो सेम है, अगर थर्ड पार्टी हैं तो डिफरेंट है, जो मैंने बताया अभी। तो अगर आप थर्ड ऑन रोल हो GT तो आपको टोटल पेड लीव 18 मिलता है गाइस। 18 हमें जो मिलती है वो 18 मिलती है 1 साल में, और वो नेक्स्ट ईयर फिर वो अगर आपका लीव बचता है तो फिर उसमें एड ऑन हो जाता है। बाकी आप उसको पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है। बहुत तो क्या करते हैं, जिनका घर पास में है तो वो लोग अपना कन्वर्ट कराते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। ये आपको पता चल जाएगा जब आप ज्वाइन करोगे, आपको धीरे धीरे सारा नॉलेज मिल जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे सकती हूँ, बट यहाँ पे जो SCL की प्रोसेस है या फिर SCL की जो ऐप है वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। नहीं तो मेरा तो बस मैं प्रॉपर खोल के आप लोग को एक एक चीज दिखाऊं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज कॉम्प्लाइंस। सो ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ आपको मतलब गाइडेंस दे सकती हूँ, एज अ गाइड कर सकती हूँ, सारे स्टेप बता सकती हूँ। अगर आपको कोई उसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा singmahu3439 है, जो कि मेरे बायो में लिंक एडेड है गाइस, तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना, अच्छी अच्छी रील आती है। जब तक आप मुझे सपोर्ट प्यार नहीं करोगे तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। गाइस अभी आप लोगों को पता है कि अभी बहुत ज़्यादा पूरा इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऑल गर्ल्स को, सेफ रहिए। सेफ जरूरी नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो अपनी अपने आप को जहाँ भी हो, जिस भी फील्ड में हो, जिस भी कंट्री में हो, जिस भी सिटी में हो, तो बी सेफ। तो गाइज ये था, बाकी मैं बताती हूँ, चलिए लाइक शेयर जरूर करना गाइज बिल्कुल, ताकि मुझे आप लोग की सपोर्ट मिलते रहे। तो जैसे आपको 18 लीव मिला तो उसमें बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, तो किस किस फेस्टिवल में क्या क्या CH है, क्या RH है। RH और CH पे मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना रखी हूँ, अगर मेरे आप ब्लॉग में जाओगे सर्च करोगे RH रिलेटेड तो ब्लॉग आ जाएगा। क्या है कि बहुत पीछे हो गया इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। तो अगर आपको RH और CH का डिफरेंस बता देती हूँ, इसमें क्या लीव है और क्या नहीं। तो CH मतलब होता है कंपनी हॉलीडे, RH मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। हॉलीडे कुछ जो फेस्टिवल इन्होंने ऐसा डाल रखा है जो रिस्ट्रिक्टेड है, और कुछ है जो कंपनी की तरफ से हॉलीडे है। उस दिन आप नहीं भी जाओगे, छुट्टी भी लोगे, अनप्लान भी करोगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, और अगर आप काम करते हो तो आपको डबल पे मिलेगा। मीन्स अगर मान लो आपको 500 एक दिन का है, क्योंकि आपको पता है कि डे वाइज पैसे मिलते हैं, तो अगर आपका एक दिन 500 है या फिर 1000 है एज एग्जाम्पल, तो आपको नेक्स्ट मतलब दो डबल पे मिलेगा। एक तो जो आपको पे मिल रहा है, एक जो कंपनी हॉलीडे है। अब कंपनी हॉलीडे किस किस दिन होती है और CH किस किस दिन होती है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये भी मैं बताती हूँ आपको, ये आप कंफ्यूजन मत रखना। फिर से मैं गाइज बोल रही हूँ,
सी एच और आर एच डिफरेंट है। कंपनी हॉलीडे में आपको पे मिलता है, और जो आर एच है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जैसे कि आपको उसमें पे नहीं मिलेगा। उसमें आप अप्लाई कर सकते हो पोर्टल पे। अगर आप अप्लाई नहीं किए, मान लो आप छुट्टी नहीं मिला आपको किसी भी रीज़न, तो आप काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका आर एच नहीं जाएगा, वो आप कभी भी नेक्स्ट आर एच में ले सकते हो। वो आर एच सिर्फ आर एच में ही अप्लाई होगा। सी एच अगर आप ले लिया, अगर आपको डबल पे नहीं मिला है, तो आपको कॉम्प ऑफ मिल जाएगा। मीन्स आपको मैनेजर आपको चाहते हैं कि वो पैसे दे तो पैसे देंगे, अगर वो पैसे नहीं देंगे तो आपको कॉम्प ऑफ देंगे। कॉम्प ऑफ मतलब छुट्टी। अगर मान लो आपको किसी दिन छुट्टी चाहिए, तो आप वहाँ पे अपनी पेड लीव के जगह सी एच अप्लाई कर सकते हो। वो कर देते हैं मैनेजर। तो ये चीज़ था। आर एच किस सी एच किस किस दिन मिलती है कंपनी में? देखो, एक तो 26 को मिलती है सी एच, 15 को सी एच मिलती है, दशहरा में 10वीं के दिन का सी एच होता है, फिर आपको दिवाली के दिन जो होती है फर्स्ट दिवाली, उसके दिन सी एच होता है, एक 2 अक्टूबर को सी एच होता है, और बस इतना ही होता है। मुझे अभी इतना याद है, बाकी आप लोग करोगे तो पता चल जाएगा। और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे किस दिन होता है? रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आपको ईद हो गया, फिर आपको होली, होली के दिन भी सी एच मिलता है। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। फिर आपको जैसे अभी था ना रक्षाबंधन, रक्षाबंधन में रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे थी। इस दिन आर एच नहीं मिलता, सी एच नहीं मिलता, हमें आर एच मिलता है। तो ये है, बाकी ऐसे छोटे छोटे जो छोटा फेस्टिवल है ना, टोटल हमें 3 ही सी एच आर एच मिलता है। और जो आपको सी एच कितना मिलेगा, मैंने जो जितने फेस्टिवल के नेम लिए उतने सी एच मिलेंगे, और आर एच टोटल 3 होते हैं पूरे साल में। तो वो 3 आप कभी भी ले, मान लो आपको ईद के दिन लेना है, जैसे रक्षाबंधन में छुट्टी उन्होंने लिया तो आर एच अप्लाई कर दिया, 3 दिन पहले अप्लाई करना होता है। वो चीज़ भी है गाइज, वो 3 दिन पहले अप्लाई करना होता है। अगर आप 3 दिन बाद अप्लाई करोगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा, वो अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपका फिर आगे इंक्लूड हो जाएगा। ये था आर एच और सी एच की कहानी डिटेल में, ये आप समझ गए। और उसके बाद मैंने डबल पे का बता दिया, बाकी एस सी ये कौन से पोर्टल पे होता है? देखो, आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको माई एस सी एल का लिंक ओपन करना होगा। आप फोन में भी कर सकते हो एक्सेस, इसको लैपटॉप में तो कर ही सकते हो क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस है। तो ये वहाँ पे जाके, वहाँ पे आप सर जैसे अटेंडेंस फिल करते हो आई टाइम पे, फिर वहाँ पे आपको लीव मैनेजमेंट में जाना है। लीव मैनेजमेंट पे सारा डिटेल दे रखा है, पूरे साल का चार्ट है कि आपको किस किस दिन क्या क्या है, वो आप वहाँ से चेक कर लोगे गाइस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें ऑन रोल वालों को, जीटी वालों को इतनी बेनिफिट मिलते, थर्ड पार्टी को क्यों नहीं? क्योंकि थर्ड पार्टी आप एज अ उनके लिए एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे हो, एज अ मतलब ऑन रोल एम्प्लॉय नहीं हो। जब आपका ऑन रोल होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी आईडी कार्ड वगैरह सब चेंज हो जाता है, सैप आईडी चेंज हो जाती है, फिर हर चीज़ चेंज होता है, तब हम एस एल के ऑन रोल एम्प्लॉय कहलाते हैं। तो आप जब तक नहीं होते, तब तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। वो जो आप जिस वेंडर से बिलोंग करते हो, वो वेंडर आपको कितनी छुट्टी देते हैं, वो डिपेंड करता है उन पे। आई थिंक 3 रहता है पूरे साल में ये चीज़। क्योंकि मैं भी खुद एज अ थर्ड पार्टी थी, तो मुझे भी 3 ही था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे, फिर मैं जब ऑन रोल हुई, तो मुझे, मैं छुट्टी ली ही नहीं थी, क्योंकि थी नहीं छुट्टी, फिर पैसे कटाने कोई मतलब नहीं था। एक तो सैलरी इतनी कम है, उससे पैसे कटो। तो ये था सीन गाइस। आर एच और सी एच का लीव का टोटल पेड लीव 18 होते हैं, ये सी एच और आर एच छोड़ के 18 होते हैं। ये आप कभी भी ले सकते हो, किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो, अपने पोर्टल से लीव लग जाएगा। और अगर आपकी लीव आपकी लीव खत्म हो जाती है, तो आप जब छुट्टी लेना चाहो तो आपको वो मिलती है, मतलब पेड लीव नहीं, आपको एल डब्ल्यू पी लगाना पड़ेगा, मतलब लीव विदाउट पे आपको पे करना पड़ेगा, आपकी सैलरी में से पैसे डिडक्ट होंगे। ये भी समझ गए आप। और एक चीज़ और है, वो मैं देखो भूल गई, अब माइंड में था, मतलब इतना सारा माइंड में चलते रहता ना चीज़ें, कि माइंड से ही निकल जाती है। तो ये है, बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, और यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब पे कभी मैसेज करो। मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करती हूँ, बट मैं कर देती हूँ। तो फिर ये था टोटल ओवरऑल लीव का। बाकी आप जब खुद ज्वाइन करोगे तो आपको ऑलरेडी सब पता चलेगा। हाँ, सिक लीव, सिक लीव गाइज, इसका मैंने सुना है, बट अभी तक मुझे, मैंने किसी को देखा नहीं है कि सिक लीव कोई लेता है, मतलब मिला है हमें एम्प्लॉय को, बट है ये चीज़ कि सिक लीव भी, अगर आप बहुत बीमार हो, क्रिटिकल कंडीशन है, या फिर कुछ मेडिकल इशू है, तो आप उस कंडीशन में सिक लीव अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है, बट कितनी है ये आई डोंट नो, ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। बाकी ये जो टोटल लीव है, ये ओवरऑल एस सी एल की तरफ से। तो गाइज यही था, गलम पतन क्या हो गया, यही था टोटल ओवरऑल लीव डिटेल। तो कुछ क्वेश्चन होगा, डीएम करना गाइज बेझिझक, विदाउट एनी मिस,
सोचती हूँ मैं जितना मुझे नॉलेज है या फिर मुझे, क्योंकि आप जितनी नॉलेज शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना गर्ल्स, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि आता है बट नहीं मुझे ही नहीं आता यार, मतलब आपको सामने वाला ऐसे उल्लू बना देंगे ना कि ऐसे लोग हैं गाइस, बट मैं नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ मुझे जितनी नॉलेज है मैं दिल खोल के बताऊँ नॉलेज, कि नॉलेज करने से बढ़ाने से बढ़ता ही। तो एज मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, मतलब जब मैं 10th पास की थी तो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो इसलिए थोड़ा सा टीचर वाला गुण तो आ ही जाता है। तो चलिए गाइस, हाँ ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड मैं थोड़ा बोल देती हूँ, अपडेट देती हूँ। ऑनबोर्डिंग अनफ्रीज हो रही है बट धीरे धीरे, कुछ को मुझे अभी 2-3 दिन पहले, मतलब जैसे मैं आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग खुद मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हो, मैम मुझे मैसेज आ गया, मुझे मेल आ गया, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि चलो जो लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उन्हें रिसीव हो रहा है। तो ऑनबोर्डिंग का मेल कुछ को आया है, तो टच उप कि सबको बहुत जल्द आ जाए, जो लोग पेशेंस से बैठे हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप लोग को आएगा बट थोड़ा वेट करो। बाकी मैं इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूंगी गाइस, तो मेरे ब्लॉग में बने रहना, सारा ब्लॉग यूजफुल होने वाला है। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तो अटेंडेंस लगा देना लास्ट में गाइस, जैसे सब लोग अटेंडेंस लगाते हैं आप भी अटेंडेंस लगा के जाना, बस यही है, मिलते हैं।